तो गुड मॉर्निंग टू ऑल्स माय फ्यूचर डॉक्टर्स. तो दिस इज सुवेंदर एंड माय चैनल यूट्यूब इज सुवेंदर तोमर परफेक्ट मैन नीट. टुडे वी डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर का आपके पास फोर्थ लेक्चर है जिसमें अपन कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस. ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर अपन लिख लो, इसको कंपेरिजन करके बड़ो मजा आएगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके पास इस प्रकार से क्या दो मान के लो, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी C2, और ये जुड़े हुए हैं एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V. ये तो है सीरीज में. क्या पैरेलल में इस प्रकार से जुड़े होंगे ये, जैसे इसका हो गया C, ये हो गया C1, ये हो गया C2, और ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बैटरी से जिसका विभव है आपके पास V, इसका विभव भी V है. तो जैसे कि अपन ने करंट में देखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम रहती है, वहां पर इस I का काम क्या कर रहा है, Q कर रहा है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो इसमें Q की वैल्यू सेम रहेगी. तो डिफर क्या करेगा आपके पास, वोल्टेज डिफर करेगा, है ना, वोल्टेज वेरी करेगा, वोल्टेज वेरी करेगा. अब वोल्टेज वेरी करेगा किस प्रकार से करेगा, वो इस प्रकार करेगा, चूंकि वी बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी. तो वी आ गया व्युत्क्रमानुपाती सी के. तो जो वी वन यानी पहले कैपेसिटेंस पर वी जो निकल के आएगा वो सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू और टोटल वी से निकल के आएगा. कैसे, वो ऐसे कि इस पे V1 C के व्युत्क्रमानुपाती, यानी तो इस पे V1 निकाल रहे हैं तो ऊपर C2 को लिखो डायरेक्ट, टोटल C को नीचे इनटू V. अच्छा, यहीं से यदि मैं इस बहुत ही घटिया सवाल V2 पूछ लूं तो वो C1 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू V आ जाएगा. ये क्लियर हो गया. अच्छा, ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब V टोटल जो निकल के आएगा ना, वो V1 प्लस V2 से एड करने के बाद निकल के आएगा. तो वी बराबर V1 कितना निकल के आएगा, तो क्या मैं V1 को आपके पास ये नहीं कह सकता, Q1 by C1, अरे बोलो, प्लस Q2 by C2, और Q तो सेम ही रहने वाला है तो Q कर दिया. अच्छा, तो वी ये Q इसमें कॉमन ले लिया, फाइनल वी Q यहाँ पे आ गया. तो ये आ गया 1 by C1 प्लस 1 by C2. Q बट्टे हुई होता है C, तो V बट्टे Q 1 by C. तो 1 by C इक्विवेलेंट बराबर 1 by C1 प्लस 1 by C2. ये आ गया इतना सा बस. तो बेसिकली यहां से जो C इक्विवेलेंट निकल के आया, वो C इक्विवेलेंट क्या निकल के आया, C इक्विवेलेंट निकल के आया गया C1 C2. यदि दो हो तो C1 प्लस C2, तीन हो तो ऐसा नहीं कर देना है C1 C2 C3 बट्टे C1 प्लस C2 प्लस C3, नो, तीन हो तो इसको यूज करो, 1 बट्टे C इक्विवेलेंट बराबर 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2 प्लस 1 बट्टे C3. इस प्रकार से इफ n सेम, यदि n सेम के कैपेसिटेंस हुए, सेटेंस जिनकी धारिता C है, तब C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताएं. तो 1 बट्टे C इक्विवेलेंट से ही निकालेंगे, 1 बट्टे C इक्विवेलेंट बराबर 1 बट्टे C1 प्लस 1 बट्टे C2, ऐसे कर करके 1 बट्टे CN, और ऐसे ऐसे वैल्यू कितने आएंगे, N और सब की वैल्यू तो C है. अच्छा, तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा C/N. ओके, अब आ जाओ पैरेलल वाले पे, आ जाओ पैरेलल वाले पे. पैरेलल वाले में आपके पास क्या सेम रहने वाला है, तो V सेम रहने वाला है, V सेम रहेगा, और डिफर क्या करेगा, तो Q डिफर करेगा, Q बराबर होता है CV, V सेम है तो Q समानुपाती C. तो यहां पर जो Q1 निकल के आएगा ना, तो वो C1 प्लस C2 इंटू टोटल Q, और तो बहुत ही घटिया सवाल, Q2 निकल के कितना आएगा, तो C2 बट्टे C1 प्लस C2 इंटू
टोटल क्यू, ये आपके पास क्लियर होना चाहिए। अच्छा तो क्या इस क्यू टोटल जो होगा वो क्यू वन प्लस क्यू टू को ऐड करने पर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, क्यू सी क्यू यहाँ पर क्यू लिखा, यहाँ पर कितना हो जाएगा सी वी वन, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, और वी तो सेम ही है, वी तो सेम ही है, तो वी को कॉमन लेके नीचे पहुंचा दो, बट बराबर सी वन प्लस क्यू बटे वी क्या होता है सी, तो सी इक्विवेलेंट निकल के आएगा सी वन प्लस सी टू, ये निकल के आएगा। इफ एन सेम कैपेसिटेंस, एन सेम कैपेसिटेंस यदि हुए तो आपके पास सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा एन सी, ये आपके पास इतना सा तो क्लियर हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, है ना। इसके जस्ट बाद अपन देख रहे हैं कुछ और दो तीन चीजें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने का मन नहीं कर रहा है, राइटिंग बहुत ही अच्छी है। अरे ये नहीं बोलो, है ना यार, थोड़ी बहुत तारीफ तो अपनी मौसी कर लो ना चाहिए भाई, आजकल इस दुनिया में कोई किसी की तारीफ करने को तैयार ही नहीं है, तो अपन को अपनी तारीफ खुद ही कर लेते हैं, है ना। बेसिकली यहाँ पे अपन ने तीन फॉर्मूले देखे, उसमें C इक्विवेलेंट यहाँ पे जो आया वो C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2, यहाँ पर C इक्विवेलेंट जो आया वो C1 प्लस C2, यहाँ पर जो सेम रहा वो क्या सेम रहा Q सेम, यहाँ पे जो सेम रहा वो क्या सेम रहा V सेम, यहाँ पे C इक्विवेलेंट यदि N लगे हो तो C by N, यहाँ पर C इक्विवेलेंट यदि N लगे हो तो NC, यहाँ पर ये जो C इक्विवेलेंट का मान है ना वो यदि C1 से C2 बड़ा है तो C इक्विवेलेंट का मान क्या होगा पता है, C इक्विवेलेंट जो होगा ना, ये C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 से भी छोटा होगा, C2 में भी छोटा होगा, लेकिन C1 के आधे से C इक्विवेलेंट बड़ा होगा, C1 से छोटा होगा, ये बात है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट छोटे वाले से भी छोटा होता है लेकिन छोटे वाले के आधे से बड़ा होता है, ये अपन को इम्पोर्टेंट है ना। ये अपन ने सारा कुछ देखने के बाद अपन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही चलते हैं। जैसे आपके पास एक क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, देखो ये ए है, इसके बीच में बी है, ये और ये दो माइक्रोफेरड, ये भी दो माइक्रोफेरड, ये भी दो माइक्रोफेरड और ये भी दो माइक्रोफेरड। अब आपको बताना है सी ए बी पहला, दूसरा क्वेश्चन चलो इसी को करते हैं, करो इसको। अब ये तो किसमें हो गए सीरीज में हो गए, ये किसमें हो गई सीरीज में, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन है समान मान के, तो सी बाई एन हो जाएंगे, मतलब ये तो हो जाएगा दो और ये सी बाई एन यानी दो बाई तीन, ये दो बाई तीन ये किसमें हो गई, फिर पैरेलल में सी ए भी क्या हो जाए सी वन प्लस सी टू, तो दो प्लस दो बाई थ्री यानी सी इक्विवेलेंट आ जाएगा दो प्लस दो बाई थ्री आठ बाई थ्री, ये आ गया आपके पास आंसर। एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है आपके पास ये इस प्रकार से तीन जुड़े हुए हैं दो और एक तीन, इसमें ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है जुड़ा हुआ है। अब आपको बताना है ए बी के मध्य, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में आप इस प्रकार से किया करो, जैसे देखो यहां से इस वाले पॉइंट पर चले तो ये भी है, इस वाले पॉइंट यहाँ पे ये भी, अच्छा ये बिल्कुल कोई भी इसमें बैरियर नहीं है तो ये भी इसमें कोई बैरियर नहीं है तो ये भी ए। अब ए और बी को लिख लो, और ए और बी के मध्य ए कैपेसिटेंस, ए और बी के मध्य ये दूसरा कैपेसिटेंस, ए और बी के मध्य तीसरा कैपेसिटेंस, और इन सभी की जो धारिता है वो कितनी है सी है, इसकी सी इसकी सी इसकी सी, तो सी इक्विवेलेंट ए बी के कितनी आ जाएगी थ्री सी, क्योंकि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आफ्टर दिस एक और सवाल कराने का मन कर रहा है, करा दूंगी या नहीं दूं, अरे भाई ये तो समझ में आया ना, ये तो सबसे सिंपल है, सी इक्विवेलेंट सीरीज में सी वन सी टू बटे सी वन प्लस सी टू और पैरेलल में C1 प्लस C2। पैरेलल में क्या सेम रहता है बताइए, पैरेलल में क्या सेम रहता है,
पैरेलल में सेल V सेम रहता है, सीरीज में क्या सेम रहता है, तो सीरीज में I सेम रहता है या फिर V सेम रहता है। एक और क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें ए बी है, ये ए बी है और प्रत्येक की कैपेसिटेंस है सी, अपन को बताना है इसमें सी ए बी। सर ये तो पिछले जैसा ही है क्या? अरे मूर्खो, पिछले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अच्छा, इसको ए मान सकते हैं, बीच में कोई बैरियर नहीं, इसको ए मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन पिछले में ये भी बी मान लिया था, इसमें ये बीच में बैरियर आ गया तो इसको भी नहीं मान सकते, तो इसको डी मान लो, क्योंकि सी तो कैपेसिटेंस की भी वैल्यू है, तो ए लिखो, बी लिखो और डी को बीच में लिख दो, है ना। तो ए और डी के मध्य एक आ गया सी, और डी और ए के मध्य एक और आ गया सी, ए और बी के मध्य आ गया सी, और बी और डी के मध्य आ गया सी, ये कितना हो जाएगा 2C, ये हो गया आपके पास 2C, ये हो गया C और ये हो गया कितना C, 2C और C, 2C by 3, C1 C2 से निकाल लो, C1 C2 बटे C1 plus C2, 2C by 3, ये कितना हो गया C। अब इस दोनों को जोड़ दो, 2C by 3 C equivalent, 2C by 3 parallel में तो डायरेक्टली जोड़ते हैं ना, तो कितना होगा 5C बटे 3। तो ये आपके पास बिल्कुल क्लियर है ना कि 5c बटे 3 आ गया। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन है आपके पास व्हीट स्टोन सेतु वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, इस क्वेश्चन में कर भी लिया होगा, सर हमने तो कर लिया, अरे कौन सी बड़ी बात कर ली है। 6 बटे 12 बराबर 4 बटे 8, 1 बटे 2, 1 बटे 2, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? बैलेंस। अपन ने पढ़ा है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में इस बीच वाले को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इस बीच वाले में करंट फ्लो नहीं कर रही, तो इस वाले को हटा दो, बाकी का 6 बना दो, 4 बना दो, और नीचे फिर कौन सा बचा उनको बता, बना दो 6 4, नीचे बचा 12 8, तो 6 4 किसमें है आपके सीरीज में, तो सीरीज में इसका 2.4 आ जाता है, और 12 8 वर्ग बट्टे 96 और 20, 96 वर्ग बट्टे 96 और 20 कितना आ जाता है 48 आ गया, 4.8 आ गया क्या? हाँ 4.8, ये आ गया 4.8, दोनों को जोड़ दो, सी इक्विवेलेंट बराबर 4.8 प्लस 2.4, 8 4 12 की तो हासिल आ गई है 7.2 आ गया टोटल। इसके बाद दो क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे, है ना। अच्छा दो क्वेश्चंस और करेंगे, देखिए भाई इसमें भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा ये, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, मैं बोर्ड को लिखने के बाद इधर उधर जाता हूँ एक दो से माइक्रो सेकंड के लिए, उस टाइम पर अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, है ना। ये देखो एक और क्वेश्चन आपके पास क्या लेके आया है, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, एक तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो। हाँ इसमें आपको सी ए भी बताना है, सी ए भी फाइंड करना है,
अब सोचो इसमें अपन कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर सा, ये कोई अवरोध नहीं ए, इसमें कोई अवरोध नहीं ए, इसमें कोई अवरोध नहीं बी, इसमें कोई अवरोध नहीं बी, इसको क्या मान लो, इसको एक पॉइंट मान लो डी, बस। अब ए बना लो, बी बना लो, डी बना लो, ए और डी के मध्य एक जोड़ दो, डी और बी के मध्य एक जोड़ दो, डी और ए के मध्य एक और जोड़ दो, इसका वैल्यू भी एक, इसका वैल्यू भी एक, इसका वैल्यू भी एक, और ए और बी के मध्य जो जुड़ा है उसका वैल्यू दो, अरे बोलो, एक और एक दो, एक और एक दो, ये एक और ये नीचे वाला दो, दो और एक दो बट्टे तीन, दो बट्टे तीन, और एक दो, दो बट्टे तीन प्लस दो, क्यों इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, दो एक 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 बिल्कुल सही है था, तो सीक्वेंट दो बट्टे तीन प्लस दो कितना हो गया, तीन ले लो, दो छः आठ बट्टे तीन, ये आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लो आप बस, कौन तुझे यूं याद करेगा जैसे मैं ना, ये तेरे मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का दोने ना 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 दोने ना 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 दोने ना घन श्याम के कटिले हैं कटार से। कितने जुड़े हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात है ना। अब इसका सीक्वेंट निकालना है आपको, किस किस के बीच निकालना है, टोटल सीक्वेंट निकालना है। अब देखो सीक्वेंट इसका कैसे निकालेंगे भाई, इसमें क्या हो जाएगी तेरे पास, सिमेट्री हो जाएगी। सिमेट्री के लिए अपन ने ये पढ़ा था कि सिमेट्री के लिए अपन जब देखते हैं, जब जिसके मध्य निकालना है, मान के लो ये ए और बी के मध्य निकालना है, इस ए और बी के लंबवत एक ऐसी रेखा जो इस दोनों को बराबर भागों में बांटे, तो इन दोनों को सेम बराबर भागों में बांट रही है, उस लंबवत रेखा के अनुदिश आने वाले प्रतिरोध या आने वाले कैपेसिटर को जीरो मान लो। इस लंबवत रेखा के अनुदिश कोई भी प्रतिरोध कोई भी कैपेसिटर नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा इस लंबवत रेखा के अनुदिश जो भी कनेक्ट वायर है उसे मोड़ सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इट। अच्छा, अब देखो इसको मोड़ सकते हैं, मतलब इसको अपन इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। सर इससे क्या फायदा हुआ, इससे ही हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन ये मान ले तो इससे, हाँ इससे, ये सी और सी सीरीज में तो टू सी हो गया, ये 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 सी और सी टू सी हो गया सीरीज में, ये सी ये कितना हो गया टू सी, ये सी, ये सी और ये सी, और नीचे कितना है टू सी, ये कितना हो गया। देखो इसमें क्या हुआ आपके पास, ये अपन ने इसमें को बताया था कि ये सीरीज में टू सी कर दिया था, लेकिन सीरीज में सी बाई टू होगा ना, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे सी और सी सी बाई टू, ये हो गया सी बाई टू, और ये सी अपन ने जोड़ दिया, ये सी और ये सी और सी ये पुनः सीरीज में, तो ये भी सी बाई टू, सी बाई टू और सी पैरेलल में, तो ये हो जाएगा थ्री सी बाई टू, और ये सी तो ये सी बाई टू हो जाएंगे दोनों सीरीज के, और इनका दोनों सीरीज के थ्री सी बाई फोर निकल के आ जाएगा, तो ये थ्री सी बाई फोर और सी बाई टू पैरेलल में हो जाएंगे, तो फाइव सी बाई फोर आ जाएगा आंसर, ये है आपके पास है ना। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना सा ही है, बेसिकली पढ़ते रहिए है ना, देखते रहिए सुविन तोमर परफेक्ट माइंड नीट आपको जरूर बूस्ट करेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाओगे ना तो बिल्कुल आपके पास सारे के सारे बन चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू, बाय 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 बच्चों, बाय बाय, लेट अस गो।